स्टूडेंट गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। हमारे पास में चैप्टर चल रहा है लाइफ अराउंड अर्थ, चैप्टर नंबर थर्ड। इसमें आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारे पास में जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, देखिए। वी नॉर्मली रिकॉग्नाइज अ लिविंग थिंग्स बाई इट्स एक्टिविटी। हम जो लिविंग थिंग्स हैं उनको किससे रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी एक्टिविटी से। किससे? उनकी एक्टिविटी से। क्लियर है? सच एज वॉकिंग और रनिंग। बट अ रोबोट कैन आल्सो वी वॉक। हमारे पास में एंड कार और रन कैन रन। तो हमारे पास में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको अधिकतर किससे डिफाइन करते हैं, उनकी एक्टिविटी से। जैसे कि वो रन कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास में जो रोबोट होते हैं, क्या होते हैं? रोबोट। वो भी तो हमारे पास में चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और जो कार है वो भी तो हमारे पास रन कर सकती है। विल यू कॉल अ रोबोट और अ कार अ लिविंग थिंग्स? तो क्या हम रोबोट और कार को लिविंग थिंग्स कहेंगे? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस स्टडी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इन सबकी जो हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में पैदा हो रहे हैं, इन सबका जवाब जानने के लिए हमें इन सब के बारे में स्टडी करनी होगी। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड हैव अ डेफिनेट लाइफ साइकिल। जो हमारे पास में लिविंग थिंग्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, और उनकी एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है। योर स्कूल बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स अरेंज इन अ लेयर। हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है, और इसकी एक पर्टिकुलर लेयर है। ब्रिक्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो हमारे पास में ऐसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर, छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्स। एंड हैव अ डेफिनेट लाइफ साइकिल। इनकी भी जो हमारे पास सेल होते हैं इनकी एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है। सम प्लांट्स आर एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। हमारे पास में कुछ एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। ऑल बैक्टीरिया ईस्ट फंगस एंड सम प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर वन सेल्स। ये हमारे आर कॉल्ड वन सेल। ये हमारे पास में कुछ जैसे कि बैक्टीरिया हैं, ईस्ट फंगस, ये हमारे पास में क्या होते हैं, और कुछ प्लांट्स जिस इन सभी के पास में जो वाटर में रहते हैं ये वन सेल्ड होते हैं। इनके पास में सिर्फ एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं। इनको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। एक है हमारे पास में अमीबा, पैरामीशियम एंड मैनी अदर एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल्स। और कई प्रकार के एनिमल्स हैं जो भी सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ सेल्स। इनके नंबर ऑफ सेल्स में कोई भी चेंज नहीं होता है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। इनकी पूरी लाइफ साइकिल में द बिगर द एनिमल्स द ग्रेटर द नंबर सेल्स। जितना इसमें क्या लिख रखा है, द बिगर द एनिमल्स द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स। हमारे पास में जितना बड़ा एनिमल्स होता है उनके नंबर ऑफ सेल्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। दैट मेक अप टू इट्स बॉडी, क्योंकि जो हमारे पास में बॉडी को बिल्डअप करने के काम में आते हैं सेल्स। बट दे आल्सो बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। लेकिन हमारे पास में इनकी लाइफ है वो इनके सिंगल सेल्स पर डिपेंड्स करती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, लाइफ बिगिन फ्रॉम अ सिंगल सेल्स। जो हमारी लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ही क्या होती है, बिगिन स्टार्ट होती है। दिस वन सेल अंडरगोस डिवीजन टू फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यू सेल्स विच रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ अ इंडिविजुअल। हमारे पास में एक सिंगल, इनकी जो लाइफ है एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, लेकिन वो क्या होता है, आगे जो वन सेल है ना वही क्या होता है, डिवीजन होता रहता है मैनी सेल्स में। क्लियर है? और ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली ग्रो होते रहते हैं, जिससे हमारी ऐसे ऐसे हमारी बॉडी ग्रो होती है वैसे वैसे हमारी सेल्स भी क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है इनकी। ग्रोथ कैन बी सीन इन जर्मेनेटिक सीड्स विद इन ए डे और टू।
हमारे पास में ग्रोथ है, हम इनको एक सीड्स के आधार पर देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में से हमारी खुद की ग्रो होती है, जैसे कि हमारे पास सीड्स को देखिए, हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे जो ग्रो होती है, जैसे कि ये सीड्स है, इसमें हमारे पास में और भी हमारे पास में पत्तियाँ निकलती जा रही हैं। ऐसे हमारे पास ये बेबी है, इसमें क्या पहले बेबी है, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर भी और भी बड़े हो रहे हैं। मतलब जैसे जैसे इनकी बॉडी की ग्रो होती है, हमारे सेल्स भी क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली ग्रो होते रहते हैं। क्लियर है? जस्ट लुक योर पिक्चर्स व्हेन यू वर अ स्मॉल बेबी, यू कैन सी हाउ टू हैव अ ग्रो इन ह्यूमंस लाइफ। लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल्स विच डेवलप्स इन टू बेबी। हमारे पास में जैसे आप इस बेबी को देखिए, हमारे पास में सबसे पहले स्टार्टिंग में बेबी है, तो हमारे पास में इसके पास में जो सेल्स थे ना, वो ही आगे मतलब डिवीजन होते होते क्या कहते हैं, ग्रो होते हैं, और वो ऐसे अब इसमें थोड़े से और ग्रो होंगे तो इतना होगा, फिर और ग्रो होंगे तो फिर और अपनी हाइट बढ़ेगी, फिर और ग्रो होंगे तो हमारी और भी हाइट बढ़ती जाती है। तो जैसे हमारी बेबी के अंदर जो सेल्स हैं वो ग्रो होते हैं, और वही हमारे पास में ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर वही सेल हैं जो कि डिवीजन होते होते ग्रो होते होते वो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। द बॉडी ग्रो इन टू द चाइल्ड बिकम्स एन अडल्ट एंड फाइनल ग्रो ओल्ड। हमारे पास में जब तक जो बेबी से अपनी सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं ना, वही हमारी ओल्डर लाइफ तक वही सेल ग्रो होते होते चलते रहते हैं। ओके, बर्ड्स एंड फिश ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस आर हैच्ड, लेटर ऑन दीज यंग वंस ग्रो इनटू अडल्ट। हमारे पास में जैसे कि हैन है, इसके पास में पहले एग हुआ, तो एग हमारे पास में क्या होता है, इसके पास में जो सेल होता है ना, वही ग्रो होते होते हमारे पास में क्या होता है, लास्ट तक चलता रहता है। ऐसी हमारे पास बेबी के लिए होता है, ऐसी हमारे पास प्लांट्स के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स हम सेकेंड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।